हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन के अगले एक्सरसाइज पे आते हैं। और ये हम लोग का जो एक्सरसाइज है इसमें इम्प्लिसिट फंक्शन का हम लोग का डिफरेंशिएशन करना है। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या कि इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है। कुछ इस प्रकार के वो फंक्शन होंगे, ठीक है, जिसमें एक्स वाई इधर उधर होगा या फिर मल्टीप्लाई में। हम लोग अब इससे पहले जो डिफरेंशिएशन किए वो क्या था, डायरेक्ट हमको दिया था साइन एक्स, उसको मान लेते तो y बराबर ये, उसके बाद y डैश, यानी y डैश को तो कहा जाता है dy by dx, और ये निकाल देते थे और अपना आंसर लिख देते थे, क्या था ना। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब क्या है, अब हमको इधर उधर दिया होगा x y, ठीक है, और तब हमको x अलग y अलग निकाल कर, ठीक है, प्रत्येक y को एक तरफ, फिर प्रत्येक x को एक तरफ, और तब हम लोग dy by dx निकालेंगे। अभी आपको नहीं समझ में आता होगा, लेकिन जैसे हम एग्जाम्पल दो चार लेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है एक्चुअली इस कंडीशन में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको सॉल्व करके अपने कॉन्सेप्ट को बेहतर करूंगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर है ना। क्या करना, कुछ नहीं है, सीधा लिखेंगे क्या, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टू एक्स, बस क्या होगा डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन प्लस में अलग अलग हो जाता है, प्लस डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी फोर अपॉन डी एक्स। समझ में आया, चलिए जब ये आ गया तो इसका डिफरेंशिएशन पता है, आसान होता है, क्या होता है टू एक्स, इसका क्या होगा ये सबसे पहले बात। तो क्या ये फंक्शन अभी लागू होगा, नहीं होगा, इसको पहले सजाइए, डी वाई स्क्वायर अपॉन, ये फंक्शन तभी कार्य करेगा जब अपॉन में डी एक्स होगा, डी वाई होगा इन टू डी वाई अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं। और ये जो कांस्टेंट है, चार कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, यानी आप और कैलकुलेशन देखिए, टू एक्स प्लस इसका क्या होगा, ये क्या देगा, ये एक्स के पावर एन है, ये क्या होता है टू वाई, और वाई के पावर टू माइनस वन यानी वन, यानी ये सेम ऐसा जैसा ही है, और ये इन टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। समझ में हमको क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन करना, और डिफरेंशिएशन करने का मतलब डी वाई बाई डी एक्स हमको निकालना है। देखिए अब क्या करेंगे, अब जब जहाँ तक ऐसा हो जाए, यहाँ तो एकदम सेपरेट है दिया हुआ, लेकिन कई फंक्शन आगे देखेंगे जिसमें सेपरेट नहीं होगा, इधर भी डी वाई बाई डी एक्स होगा, इधर भी डी वाई बाई डी एक्स होगा, मतलब बराबर की इस तरफ भी बराबर की इस तरफ भी। तो आपकी सलाह, अगर मतलब मेरी सलाह यही रहेगी कि क्या करना, कि प्रत्येक डी वाई बाई डी एक्स हो एक तरफ और बाकी बात सारा है जो एक तरफ, तो क्या करेंगे टू वाई डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ, बाकी जितना बचा अगर इधर होता डी वाई बाई डी एक्स तो इसको इधर ले आते हैं, और बाकी जो जो भी इधर बचा होता वो उधर रख देते, तो क्या है टू एक्स माइनस है। अब हमको निकालना क्या है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स लगा दिए, माइनस टू एक्स अपॉन टू वाई, इससे टू को से टू गया, यानी माइनस एक्स अपॉन वाई हमारा आंसर हो गया। समझ में, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स के पावर एन प्लस वाई के पावर एन इक्वल टू ए के पावर एन, कुछ नहीं है, वही है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, इसका डिफरेंस अब डायरेक्ट बोलो क्या होगा, एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन प्लस इसका क्या होगा, हाँ बोलो, एन इंटू वाई के पावर एन माइनस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स। समझ में आया क्यों हुआ होगा, ऐसा ही सेम ऐसा ही कंडीशन है, इसमें भी गया होगा, और इज इक्वल टू क्या बन गया होगा, ए के पावर जीरो, ए के पावर एन, इसमें कोई वेरिएबल नहीं, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, ए के पावर एक्स होता तब तो हम लोग जानते हैं, लेकिन ये क्या है, ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट के पावर कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट ही आएगा ना, चलिए ऐसा है। फिर वही बात, वो सारी टर्म को एक तरफ रखो जिसमें डी वाई बाई डी एक्स है, और बाकी बात सारे टर्म को उधर कर दो जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, ये ऐसा बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स हमको निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स लिख दिए, माइनस एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन अपॉन ये क्या है एन इंटू वाई के पावर एन माइनस वन, एन से एन गया, फाइनली हमारा आंसर बना एक्स के पावर एन माइनस वन अपॉन एक्स के पावर वाई के पावर एन माइनस वन आंसर। समझ में आया, चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। ज्यादा भारी है नहीं, ठीक है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस जो भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं उसी से रिलेटेड, उसी का कुछ नया एप्लीकेशन है जिसका नाम है इम्प्लिसिट, और इम्प्लिसिट का मतलब इस प्रकार का फंक्शन का डिफरेंशिएशन। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स वाई इज इक्वल टू ई के पावर एक्स, आप डिफरेंशिएट कीजिए, वही सेम बात लिखेंगे डिफरेंशिएट, इससे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, पांच नंबर में भी आया हुआ है, लंबे लंबे क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या
देख इसका डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़े डी एक्स वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर एक्स अपॉन डी एक्स, समझ में आया। इसका डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़े हुए हैं, अगर कोई मल्टीप्लाई में हो तो कैसे करते हैं, पहले एक फंक्शन इनटू डी वाई बाई डी एक्स, समझ में आया, यानी डी वाई बाई डी एक्स ये वाला एक फंक्शन, इसमें दो फंक्शन है ना, एक एक्स है और एक वाई है, तो पहला अगर लिख देंगे दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस, फिर उसके बाद दूसरा लिखेंगे यानी वाई इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स, समझ में इसको इसका डिफरेंशिएशन तो ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स होता। देखिए यहाँ पर अभी अब जब इतना बन जाए तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये तो वाई सिर्फ बना, ठीक है। अब अभी हम बताएं कि वाई वाला डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म एक तरफ, बाकी बात सारा एक तरफ, तो क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको इधर ले आएंगे तो ई की पावर एक्स माइनस वाई अपॉन, डायरेक्ट लिख दे ये इधर आया हो, अच्छा ऐसा चलो इतना नहीं, इस पॉइंट को इतना ही रहने दे, इतना को इधर ले गए, ठीक है। हमको निकालना क्या है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर ई की पावर एक्स माइनस फोर अपॉन एक्स, आंसर समझ में आया। चलिए आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, और हाँ ये थोड़ा है कन्फ्यूजन है, ये थोड़ा है कि मतलब कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है, कॉस स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, वही है मैं लिख नहीं रहा हूँ डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। चलिए इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा डी, अच्छा सीधे सोच के देखिए पहले, चलिए डी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन डी क्या होगा साइन एक्स इंटू डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स, समझना प्लस में इसका क्या होगा डी कॉस वाई कॉस स्क्वायर वाई अपॉन डी कॉस वाई इंटू डी कॉस वाई अपॉन डी वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, समझ में आया कैसे किए हैं, क्योंकि वाई आ गया था, और इसके लिए क्या होगा एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस, गुणा में जाता है तो प्लस में चेंज हो जाता है, और वाई इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो का डिफरेंशिएशन भी जीरो होगा। अब इसके बारे में देखिए ये क्या होगा टू साइन एक्स देगा, ये क्या देगा इंटू कॉस एक्स देगा, ये क्या देगा तो ये देगा माइनस में माइनस टू, पहले तो कॉस, अभी माइनस अभी नहीं होगा, चलिए प्लस अभी मैं लिख देता हूँ, माइनस इससे आएगा, इससे क्या होगा टू कॉस वाई, इससे क्या आएगा इससे माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज एक पॉइंट और है प्लस, ये क्या बनेगा एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इसका मान क्या होगा प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, समझ में आया। चलिए अब यहाँ से क्या है वो ये बता दे कि एक से ज़्यादा डी वाई बाई डी एक्स है तो सभी डी वाई डी एक्स को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ, इसमें नहीं है, इसमें ये दोनों में नहीं है, अच्छा इस दोनों को मैं लिख सकता हूँ साइन टू एक्स, इतना बड़ा लिखने से अच्छा ये है, ये इसका फॉर्मूला होता है, देखो मित्र में पढ़ना भी है, और इसको भी लिखा जा सकता है, इसको क्या लिख सकते हैं साइन, अच्छा ये माइनस है यहाँ पर मैं माइनस लगा दे रहा हूँ, ठीक है यहाँ पर ये लगा दे रहा हूँ माइनस, इसीलिए हमने पहले भी लगाया था, चलिए माइनस टू वाई इसको लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, ये माइनस का माइनस इसमें रहने देते हैं, और ये जो बना है वो क्या बना है कि एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। देखो देखिए हम इतना हम अपने सुविधा के लिए इसको शॉर्ट किए, हो सकता है बुक में ऐसा नहीं होगा, हो सकता है बुक में आंसर में ऐसा नहीं होगा, वो बुक की प्रॉब्लम या सब नहीं बताया था कि इसमें आंसर नहीं बिल्कुल नहीं मिलाना है, आंसर मिलाने से बिल्कुल समय की बर्बादी है। अब देखिए क्या होगा एक इसमें है और एक इसमें है, ये माइनस में देखे इसीलिए उसको उस तरफ ले जाएंगे, तो साइन टू एक्स और एक बचा हुआ है वाई इज इक्वल टू क्या होगा, इसको उधर ले जाएंगे तो साइन टू एक्स साइन टू वाई डी वाई बाई डी एक्स और माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, समझ में आया। अच्छा इस दोनों से कॉमन कुछ है क्या है? तो डी वाई बाई डी एक्स, तो मैं ऐसा लिख दूं माइनस एक्स और ये दोनों कॉमन आ गए, समझ में आया। हमको फाइनली निकालना क्या था डी वाई बाई डी एक्स आ गया है साइन टू एक्स प्लस वाई, और इसको ये इसको नीचे लिख सकते साइन टू वाई माइनस एक्स, यही हमारा आंसर हो गया। फाइनली हमको निकालना क्या था डी वाई बाई डी एक्स ही निकालना था, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया। चलिए अगली क्वेश्चन क्या है हमारे दो और है, इस क्वेश्चन का जो बेस है जो भी इसका कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन बुक में है, मैं उसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर है पांच, ये क्या कहता है e की पावर x log y
बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। चलिए इसके लिए क्या करेंगे, पहले देखें कुछ नहीं, ये भी बहुत आसान है। इसका डिफरेंशिएशन आप डायरेक्ट कीजिए, वही डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो सब लिखने के बाद क्या होगा, मल्टीप्लाई में है तो क्या होगा, एक का डिफरेंशिएशन एक को ऐसे लिखेंगे इनटू इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, वन अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, समझ में आ रहा होगा अभी, ठीक है। उसके बाद आइए एक मिनट, एक ही लिखे दूसरा में क्या प्लस, अब इसको ऐसे ही लिखेंगे लॉग वाई इंटू ई की पावर एक्स का डिफरेंस, ई की पावर एक्स इज इक्वल टू, अब इसमें आइए देखिए बनाने के लिए तो हम किस प्रकार से बना सकते हैं कि इसको अलग अलग भी लिख सकते, इसको एक ही फॉर्म में लिख सकते, इसका फॉर्मूला तो पता होगा ना क्या होता है, हाँ साइन इनवर्स एक्स वाई क्या, सो साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये इस ये दोनों साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई का अगर प्लस में हो तो इसका ये फॉर्मूला, तो हम इसका भी डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। लेकिन आप सोच के देखिए क्या इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो ये हो गया हमारा एक एक्स वाला टर्म मान लीजिए चलते एक्स वाला, और डिफरेंशिएशन का विथ रिस्पेक्ट इतना बढ़ा देंगे तो कितना भारी हो जाएगा, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट इसका निकाल रहे हैं। तो इसके लिए क्या होगा, हम लोग पढ़े हुए अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, समझ में आया, इसके लिए पर्टिकुलर, और इसके लिए क्या होगा, हाँ वही बात अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर और इन टू डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि वाई था तो अल्टीमेटली अंत में क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स तो गया होगा ना, समझ में आया। चलिए अब डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ, बाकी बात सारा एक तरफ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये डी वाई बाई डी एक्स इसको इसको इधर ले आया हूँ, इसको इधर ले आया हूँ, और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन भी ले ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें जब कॉमन ले लेंगे तो ई की पावर एक्स अपॉन वाई बचेगा इसमें, और इसमें क्या बचेगा, ये इधर आने के बाद माइनस में बन गया होगा मल्टीप्लाई में, ये माइनस में प्लस में, तो ये माइनस बन गया माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, समझ में आया, इज इक्वल टू क्या बना होगा, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और ये फिर इधर गया होगा माइनस में तो लॉग वाई इंटू ई की पावर एक्स, समझ में आया, कुछ इस प्रकार से बना होगा। अब क्या हमको निकालना क्या, तो जो निकालना है उसको डायरेक्ट लिख लेंगे, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग वाई इंटू ई की पावर एक्स अपॉन, ये सारे पॉइंट को नीचे लिखेंगे, ई की पावर एक्स अपॉन वाई माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो गया। देखिए हो सकता है कि आंसर में ऐसा नहीं होगा, इसकी कैलकुलेशन पूरे इसका मल्टीप्लाई सब करके तब लिखा होगा, तो वो हमारा आंसर अभी पुराना है नहीं, हमको तो निकालना है, हमको तो ये जानना है कि निकलता कैसे है, समझ में आया। चलिए छः नंबर और आखिरी नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि टेन इनवर्स, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है इसका, और टेन है टेन, अच्छा टेन इसको देखिए गॉस देखने क्या पता चले, ये क्या है टेन ए प्लस टेन बी है कि नहीं, तो हम पढ़े हुए हैं इसके लिए फॉर्मूला कि टेन, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, टेन ए प्लस टेन बी इक्वल टू होता है टेन ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी, समझ में आया। तो इसके लिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन इसको सोचिए देखिए ये क्या है, इतना प्लस इतना, इतना प्लस इतना, तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन, समझ में आ गया। चलिए अच्छा आपके मन में अगर ऐसा नहीं होगा कि भाई हम ऐसा नहीं करें, हम हालांकि दोनों से करके दिखाएंगे, मन में होगा कि भाई हमको ऐसा क्यों कर ले जाए, हम तो आप हमको ऐसे ही निकाल दे, कोई दिक्कत नहीं निकाल लीजिए, टैन इसका डिफरेंशिएशन डी ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ टैन एक्स प्लस वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स प्लस वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि प्लस में आ गया तो हमको अब अलग अलग करना होगा, तो इसके लिए भी क्या होगा, प्लस टैन इनवर्स टैन एक्स प्लस वाई, और वो भी इसका डिफरेंशिएशन, तो ये भी यही हुआ एक्स माइनस वाई है, इसमें माइनस का माइनस लगा देते हैं इंटू डी एक्स वाई एक्स माइनस वाई अपॉन डी एक्स, और जो बाद का है एक का डिफरेंशिएशन वो तो जीरो, समझ में आया। चलिए इसके लिए आप सोचिए क्या होगा, सोचिए ये क्या बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, इसके लिए क्या बनेगा, अब ये चूंकि प्लस में है तो वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स, गॉस से देखो दिख गया, इसका अगर अलग अलग होगा तो इसका डिफरेंशिएशन इसके साथ तो एक बन गया, और डी वाई बाई डी एक्स तो इसका, और इससे ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा, इसलिए हमने ऐसा कर दिया, ठीक है, प्लस का प्लस कर देंगे। इसमें देखिए टैन इनवर्स, सॉरी इसका क्या होगा, सेक इनवर्स में थोड़ा ज़्यादा दिमाग जाएगा, सेक होगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, ठीक है, और इन टू वन माइनस डी वाई बाई डी एक्स,
इज इक्वल टू, फिर बाद में क्या बनेगा, जीरो। समझ में आया कैसे? ये वाला पॉइंट को हमने ऐसा लिख दिया है, ठीक है। चलिए अब इसकी आप ये करने पर क्या बनेगा, देखिए अब इसको हम कुछ इस प्रकार से यहाँ से लिख रहे हैं। अब क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स वाला एक तरफ, बाकी वाला सारा एक तरफ। देखिए इससे अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, सही है। अब क्या है, एक और डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर, सेक स्क्वायर प्लस लिखता हूँ, सेक स्क्वायर प्लस ना होकर माइनस लिखता हूँ क्योंकि अब माइनस में, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्या लिख सकते हैं, और तब बराबर लिखेंगे। और उस तरफ क्या क्या जाएगा, तो इससे मल्टी होगा, मल्टीप्लाई होगा ये, और इससे मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, और ये दोनों माइनस में होगा, ये भी प्लस में था, ये भी प्लस है, और क्या बनेगा, तो माइनस दोनों से कॉमन ले लिया, और सेक प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, समझ में। अब जीरो तो गया नहीं, अब ऐसा बना, हमको निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो सकता है, डायरेक्ट सोच के दो बोले, सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, ये वाला पॉइंट अपॉन ये देखिए, ये दोनों माइनस में है, समझ में, माइनस में। अब इसको क्या करेंगे, ये नीचे जाएगा और ये भी नीचे जाएगा, है ना। चल क्या बनेगा, सेक स्क्वायर ये क्या है, एक्स प्लस वाई स्क्वायर, और ये फिर जाएगा तो माइनस, ये दोनों माइनस में है, ये दोनों माइनस में, और माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, ये हमारा आंसर होगा। अब देखिए अब आपके मन में होगा कि हमको ये वाला फॉर्म से करके दिखाइए, तो कोई बड़ी बात है नहीं, बन जाएगा उससे भी, क्या है कि इस फॉर्म पे तोड़ने के बाद कुछ इस प्रकार के बनेगा, और जब ये इस प्रकार से बन जाएगा तो सोच के देखिए क्या टैन का क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स हो जाएगा, सेक स्क्वायर, और जो भी यहाँ पर होगा वो, और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन आगे कर सकते हैं। तो समझिए ये इसमें का टास्क है, ये जो हम आज लेक्चर दिए हैं, इसमें का टास्क ये है कि भाई आपको इस प्रकार से करके तब डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम बुक में जो है उसको पीडीएफ में दे देंगे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, धन्यवाद।